वेलकम टू मिलियन फैक्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस आर्टिस्ट के बारे में जिनके सॉन्ग्स के बिना हर पार्टी और शादी अधूरी से लगती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया। इंडिया में रैप का ट्रेंड लाने वाले फेमस रैपर एंड सिंगर यो हनी सिंह के बारे में। क्या आप ये जानते हैं कि हनी सिंह एक्सीडेंटली रैपर बने थे? और आपको ये पता है कि हनी सिंह बीच में लगभग 2.5 साल के लिए क्यों गायब हो गए थे? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यो हनी सिंह के लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। यो हनी सिंह यानी कि आपका अपना हनी सिंह, मतलब कि हनी सिंह के मुताबिक यो का मतलब आपका अपना है। जब वे म्यूजिक कंपोज करते थे तब एल्बम पर उनका नाम सिर्फ हनी सिंह लिखा होता था, लेकिन एल्बम में रैप करने के बाद से ही उन्होंने अपना नाम यो हनी सिंह लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग में भगत सिंह, कबड्डी, हेल्थ, एल्कोहल मत पियो जैसे सब्जेक्ट पर गाने बनाए, बट उनके ये गाने चले नहीं। तब किसी समझदार इंसान ने उन्हें एडवाइस दी कि आप वो गाने बनाओ जो लोग सुनना चाहते हैं, जिस टाइप के सॉन्ग लोग पसंद करते हैं, ना कि जो आप सोचते हैं। और 2 साल तक सभी सॉन्ग फ्लॉप होने के बाद वे उस भाई की एडवाइस पर गौर करते हुए लक 28 कुड़ी दा सॉन्ग बनाया जो कि काफी हिट रहा। पर उस शायद को सुना नहीं जाता था। फिर मैं 2 साल ना मेरी एल्बम दबा तो फ्लॉप हुई, तो मेरे को किसी समझदार आदमी ने बोला गया था, बेटा तू ये जो गा रहा है तेरी सोच है, अपनी सोच मत गा, इनकी सोच गा। फिर जब मैंने कहा कि लक 28 कुड़ी दा, तो मेरे को बीट में तो सब नाच रहे थे। हनी सिंह ने म्यूजिक में अपनी शुरुआत डीजेइंग से की। इसके लिए उन्होंने डीजे विशाल से डीजेइंग भी सीखी। इसके बाद उन्होंने वार ऑफ डीजे कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया और इसमें सेकंड पोजीशन भी जीती। इसमें उन्होंने कुछ मूवीज के डायलॉग को ट्रैक के साथ मिक्स किया था। जब हनी सिंह 12 साल के थे तब उनके फादर के दोस्त ने उन्हें AR रहमान के म्यूजिक से इंट्रोड्यूस करवाया। उस समय AR रहमान सर तमिल में सॉन्ग बनाते थे, इसलिए उन्हें वो लैंग्वेज तो समझ नहीं आई, लेकिन वो म्यूजिक समझ आया और तब उन्हें लगा कि उन्हें म्यूजिक के फील्ड में कुछ करना चाहिए। अगर हनी सिंह के जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब के होशियारपुर शहर में हुआ था और वे एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता का नाम सरदार सरबजीत सिंह और वही उनकी मम्मी का नाम भूपिंदर कौर है। हनी सिंह का परिवार बचपन में ही दिल्ली शहर में शिफ्ट हो गया था। आपको बता दे कि हनी सिंह का असली नाम हृदय सिंह है और घर पर उन्हें प्यार से हनी बुलाते हैं। मेरे को तो नाचना तो आता नहीं है, मैं जैसे हिलता रहता हूँ मैं वैसे हिलता रहता हूँ, बस ऐसे। मैं म्यूजिक बनाते बनाते भी ऐसे हिलता रहता हूँ, छोटा तो भी ऐसे हिलता रहता था। मम्मी डॉक्टर के पास लेके थी, इसकी गर्दन फिक्स कराओ, क्या है इसको, ये हिलता क्या रहता है। हनी सिंह का मखड़ा सॉन्ग इंडिया का सबसे महंगा शूट किया जाने वाला सॉन्ग है। इसके पहले भी ये रिकॉर्ड हनी सिंह के नाम ही था। उन्हीं के सॉन्ग ब्राउन रंग की वीडियो $1,00,000 में बनी थी, यानी इंडियन रुपीस में 70 लाख रुपए। हनी सिंह ने रैप में हाथ आजमाने से पहले लगभग 9 साल तक म्यूजिक डायरेक्शन का काम किया है। अपने करियर के शुरुआती समय में वे पंजाबी मूवीज में म्यूजिक देने का काम किया करते थे। हनी सिंह की एक बहुत ही अजीब आदत है कि वह रात भर तो जगकर काम करते हैं और सुबह 6 बजे से सोते हैं। उनका पूरा फोकस उनके सिंगल्स पर ही रहता है, क्योंकि वे मानते हैं कि आज वे शोहरत के जिस मुकाम पर है, ये सब कुछ पॉसिबल उनके सिंगल्स की वजह से हुआ है, ना कि बॉलीवुड की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे 3-4 गाने हैं जिनमें मैं ध्यान दे रहा हूँ, वो मेरे सिंगल्स हैं यार। इंडियन इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन के लिए बनाए गए सिंगल्स हैं, तो वो बहुत सारे आने वाले हैं। अगर हनी सिंह की पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुरु नानक पब्लिक स्कूल दिल्ली से की और उन्होंने 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम चुनी। 12th क्लास के बाद वे म्यूजिक में ग्रेजुएशन करने के लिए लंदन चले गए और वहां के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हनी सिंह ने एक शो भी जज किया था जिसका नाम है इंडियाज रॉ स्टार। इसी शो के दौरान उन्होंने अपने शादीशुदा होने का खुलासा भी किया। हनी सिंह ने 2011 में शालिनी तलवार से शादी की, जिसे कि वे अपने स्कूल टाइम से जानते थे। 2 साल बॉलीवुड में धूम मचाने के बाद हनी सिंह अचानक लगभग 2 साल के लिए गायब से हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोज करने, ठीक से अपनी नींद पूरी न कर पाने और स्ट्रेस के कारण उन्हें बायोपोलर डिसऑर्डर हो गया। इस बीमारी में इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन म्यूजिक में अपने लगाव के कारण ही उन्होंने इस समय भी एक गाना लिखा और गाया जिसका नाम है धीरे धीरे। और इस सॉन्ग का आखिरी पैरा
हनी सिंह के मॉम ने लिखा था। 2012 में हनी सिंह ने काफी इंटरनेशनल शोज किए, सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। जब 2012 में डेली रैप के सामने आया तो मीडिया में हनी सिंह पर आरोप लगने लगे कि वे अश्लील सॉन्ग बनाते हैं। इन पर आरोप लगने लगा कि इन्होंने मैं हूं बलात्कारी सॉन्ग गाया है और इन पर FIR भी दर्ज कराई गई। जबकि इंटरव्यू में हनी सिंह ने बताया कि उन्होंने यह सॉन्ग कभी सुना भी नहीं है। आपको बताता हूं, पहली बात है सर, मैं हूं बलात्कारी गाना मैंने कभी जिंदगी में ना लिखा ना गाया और ना कभी सुना है। इतना कुछ बवाल होने के बाद मैं म्यूजिक की कसम खा के कहता हूं, मैंने सुना तक नहीं आज तक वो गाना। इन सब से हनी सिंह काफी परेशान से हो गए थे और उन्होंने काफी सूझबूझ के साथ कानूनी रूप से लड़ने का फैसला लिया। 6 महीने तक केस लड़ने के बाद यह साबित हो गया कि उन्होंने इस तरह का कोई भी गाना नहीं गाया है और ना ही वे रेप केसेस को बढ़ावा देते हैं। आपको शायद याद होगा कि हनी सिंह ने एक म्यूजिकल बैंड बनाया था जिसका नाम था माफिया मुंडीर, जिसमें कि हनी सिंह, अल्फाज, बादशाह, रफ्तार, इक्का, जे स्टार और लिल गोलू शामिल थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही यह ग्रुप टूट गया। पहले इस ग्रुप से रफ्तार अलग हुए, फिर बादशाह। रफ्तार ने बताया कि डोप शोप सॉन्ग के लिरिक्स के लिए उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया। इसके अलावा गेट अप जवानी के वीडियो में हम बादशाह को देख सकते हैं और वे गा भी रहे हैं, लेकिन इसके मेकिंग में बादशाह का कहीं भी नाम नहीं है, इसलिए बादशाह ने भी यह ग्रुप छोड़ दिया। जब योयो हनी सिंह सिर्फ हनी सिंह थे और उन्हें कोई खास काम नहीं मिल रहा था, उस दौरान वे 2005 में एक रिकॉर्डिंग के लिए दिल्ली आए। वहाँ उनकी मुलाकात पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती से हुई। उस समय अशोक मस्ती एक एल्बम पर काम कर रहे थे और उन्होंने हनी सिंह से कहा कि वे उनके लिए भी कुछ बना दे। तब हनी सिंह ने एक स्क्रैच बनाया और अशोक मस्ती ने गाया, क्योंकि ये एक टू मच अर्बन म्यूजिक था। तो अशोक मस्ती ने कहा कि ये म्यूजिक यहाँ नहीं चलता, आपके लंदन में चलता होगा। तब हनी सिंह ने कहा कि ये वहाँ भी नहीं चलता, तभी मुझे काम नहीं मिल रहा, लेकिन एक दिन ये पूरे इंडिया में चलेगा। फाइनली वो गाना नहीं बना, बट 7-8 महीने के बाद हनी सिंह को पता चला कि अशोक मस्ती उन्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो सॉन्ग उनके प्रोड्यूसर के लड़के को बहुत पसंद आया, इसलिए प्रोड्यूसर चाहते थे कि ये गाना बने। और इसमें हनी सिंह ने एक इंग्लिश रैप भी लिखा था, लेकिन जिससे हनी सिंह वो गवाना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिली। तो मैंने कहा, हाँ जी सर बताओ क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहते यार वो जो गाना था आपका वो हमारे प्रोड्यूसर के बच्चे को बहुत पसंद आया, वो कह रहा है ये वो उनका बच्चा अंग्रेजी गाने सुनता है, तो कह रहा है कि चलो एक गाना कर लो उस लड़के को बुला के। तो अशोक मस्ती को हनी सिंह का डमी में गाया हुआ रैप काफी पसंद आया, तो फिर यह रैप हनी सिंह की आवाज में ही रिकॉर्ड किया गया। इस तरह हनी सिंह एक्सीडेंटली रैपर बने और यह सॉन्ग था ग्लासी, जो कि 2006 में आया था। दोस्तों, हम इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर आप इसे पूरा कर देते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।